की बहादुरी, अदम्य साहस और जज्बे को सलाम करते हुए बड़वा में निकली गौरव यात्रा। अभिनंदन की बहादुरी, अदम्य साहस और जज्बे को सलाम करते हुए बड़वा के स्थानीय कलाकारों एवं कला प्रेमियों ने विश्वविख्यात नृत्य कलाकार संजय महाजन के नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरव यात्रा नागेश्वर मंदिर परिसर से हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। यात्रा में एक अश्व देशभक्ति के गानों पर नाचते हुए चल रहा था। दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, मेरा रंग दे बसंती चोला एवं अन्य देशभक्ति के गानों से नगर गूंज उठा। बैंड बाजों पर बजते राष्ट्रीय गीतों की धुन पर नागेश्वर मंदिर से निकली गौरव यात्रा। इस यात्रा में ओम मां नर्मदा मूक बगीर एवं ज्योतिर्मय मूक बगीर विद्यालय के नन्हे मुन्ने मूक बगीर बच्चे हाथों में तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे के नारों के साथ रैली में छात्र छात्राओं सहित कलाकारों और साहित्यकारों भगवानी शंकर व्यास, शिष्य उपाध्याय अजय तिवारी, बाबूलाल महाजन, पंकज पाठक, कपिल तिवारी, सीटू राजपाल, बाबूलाल अग्रवाल, डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, बबीता शर्मा, संजय कदम, प्रवीण श्रीमाली सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। नागेश्वर मंदिर परिसर से शुरू हुई रैली झंडा चौक महात्मा गांधी मार्ग मुख्य चौराहा होते हुए जयस्तंभ पहुंची, जहां पर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार संजय महाजन ने कहा कि हमें अभिनंदन पर गर्व है। वे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करते वक्त पाकिस्तान की सीमा में गिरने के बाद पाकिस्तान की कैद में गए, लेकिन पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। अभिनंदन ने बीते दिनों पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को आसमान में खदेड़ा था, जो हमारे देश और सेना के लिए गर्व की बात है। हम उनके हौसले एवं जज्बे को सलाम करते हैं। बड़वा के सभी कलाकार, जिसमें संगीत, नृत्य, हमारी नटेश्वर नृत्य संस्थान और व्यास बंधु स्वरांश जो संगीत संस्थान है, यहाँ के कलाकारों ने और बड़वा के समस्त कलाकारों ने, सभी साहित्यकारों ने इकट्ठा होकर हमने हमारे देश के जो जाबाज सिपाही हैं, जो जाबाज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे भारत का गौरव बढ़ाया है, उनको नमन करते हुए हमने हमारे जो जाबाज सिपाही हैं उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए ये रैली हमने निकाली है। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे देशवासियों के मन में हमारे देश के लिए एक भक्ति जागे, एक भाव जागे और हम सब अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, यही हमारी इस रैली का उद्देश्य है।